बस पहले पासपोर्ट जाकर दिल्ली बनता था, गाज़ियाबाद जाना पड़ता था, मुजफ्फरनगर में बन जाएगा। बहुत परेशानी हुआ करती थी लोगों को, और मैंने कुछ दिनों पहले कहा था उनके लिए फ़ायदा होगा जो गंदी मानसिकता के लोग हैं जिनका दम घुटता है। अगर मुजफ्फरनगर में भी ऐसे लोग हों, आसपास हों, तो पासपोर्ट बनवाए, विदेश में चला जाए, मैं बनवा दूँगा, सारा खर्चा दे दूँगा, ये उनको भी सुविधा है। किस तरह की मानसिकता है? जो कहते हैं ना कि यहाँ पर हम खतरे में हैं, भारत में हमें यहाँ मुजफ्फरनगर बहुत गंदा शहर हो गया है, बीजेपी की सरकार आ गई है, बदमाशों को मरवा रही है, तो भाई जो बदमाशी करेगा वो तो मरेगा। पुलिस के साथ जो मुठभेड़ करेगा, हमारी पुलिस को सूचना मिलती है कि वहाँ पर बदमाश हैं, योजना बना रहे हैं डकैती की या किसी के अपहरण की, तो पुलिस क्या करती है? पुलिस उनको घेरती है, ललकारती है, अपना आप को गिरफ्तार करा दो भाई, वे गोलियां चलाते हैं, हमारी पुलिस गोलियां चलाती हैं। तो ऐसे लोग जिनको ख़तरा है वे जा सकते हैं, पासपोर्ट 100 पासपोर्ट रोज़ बनेंगे, रजिस्ट्रेशन रोज़ होगा, हमें तो ज़रूरत नहीं। आजम खान कहाँ जा रहा पाकिस्तान, वो तो यहीं खून पीवेगा, अभी कहाँ जा रहा है, अभी तक खून पीवेगा। उसका तो बनवाया भैया, वो तो पैसे वाले लोग हैं, उनका तो बनवाया, मेरा नहीं बना हुआ। अब मैं ना बनवाना चाहता, मुझे जाने की जरूरत नहीं, मैं देशभक्त आदमी हूँ, मुझे अपने भारत से प्यार है, यहीं पर रहना। अच्छा विधायक के बाद फिर छोड़ना, मुझे तो बलकटी उठा लूँगा, अब नहीं फिर खेती में लग जाऊँगा, झोटी झोटा बुग्गी है मेरे पास तो वो ही चलानी, हवाई जहाज में बैठ तो डर लगा, इतना पैसा ही नहीं मेरे पास, तो हमें क्या करना है? वे करेंगे जो पैसे वाले हैं या जिनको परेशानी है, वे करेंगे।